recording, stop recording, okay? जितने मेथड्स अभी तक ट्रेडिशनल तरीके में अपन ने देखा उसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्पोकन पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, तो एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट बोल नहीं पाता, लैंग्वेज को बोल नहीं पाता था, उसकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज डेवलप ही नहीं हो पाती थी, है ना। कुछ मेथड्स ऐसे थे जैसे जीटी मेथड इतना ट्रांसलेशन वगैरह पे जोर देता है, तो ये प्रॉब्लम आई सही। पर जो दूसरे तरीके के मेथड्स थे, जैसे डायरेक्ट मेथड कहता है कि भाई आप डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज में बात करो, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो टीचर्स हैं उनका खुद का कम्युनिकेटिव लेवल इतना डेवलप्ड ना हो तो वो स्टूडेंट्स को वो चीज दे नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। कुल मिला के ट्रेडिशनल अप्रोच में स्ट्रक्चर 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 खोप रहे थे पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, ग्रामर को बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे और कम्युनिकेशन कहीं सफर कर रहा था। अब हम जो देखेंगे सीएलटी, इसमें इस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ग्रामर को भी बैक सीट पे पहुंचा दिया जाएगा, ग्रामर में पीछे, और ये सारा जो है अपना कि अब आपका स्पोकन इतना परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, टीचर करेक्शन इंड्यूस करें, ये सब खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट से उम्मीद की जाएगी आप गलत बोलो। आपके ऊपर केवल एक शर्त है, आप अपनी बात सामने वाले को कन्वे कर सको टारगेट लैंग्वेज में। गलत बोलो आपका टेंस गड़बड़ा रहा है, कुछ भी गड़बड़ा रहा है, पर आपने जो बोला वो सामने वाला समझ पाए, बस इतनी तो सेकंड लैंग्वेज सीख लो। तो इसमें ग्रामर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझने लायक अंग्रेजी बोल लो, इतनी अंग्रेजी बोल लो कि जो तुम्हें सुन रहा है उसको समझ में आ जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, ये इसका मेन पॉइंट होगा। सीएलटी का बैकग्राउंड पहले हम देखें, आया क्यों ये, है ना। और ये मत कहो कि ये बहुत लंबा हो रहा है ये वाला, ये पर्टिकुलर मेथड लंबा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और ऑडियो लिंगुअल में बहुत सारे कंपैरिजन पॉइंट्स हैं। मैंने सारे कंपैरिजन पॉइंट्स लिख लिए, बट मैं आपको चार पांच पॉइंट आउट कर दूंगी कि ये चार पांच तो याद रखूंगी, बाकी कराऊंगी मैं सारे। इन द लेट 1960s देयर वर changes in the British language teaching tradition. Language को पढ़ाने के तरीके में बहुत सारे changes आए, है ना। ये actually linguistics है, linguistics मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए I can give you a background. Linguistics में Ferdinand de Saussure करके बहुत बड़े linguist आए, बहुत बड़े, 1916 में उनकी death हो गई, 1913 में। स्ट्रक्चरल शब्द जो तुम हजार बार पढ़ रहे हो ना, ये उस व्यक्ति की देन है एक्चुअली, है ना। फर्डिनेंड डी सॉस्योर वो पॉपुलर, वो मर गए 1916 में, बट 1960 के बाद उनकी जो थ्योरीज थी उन सब ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अब भाषा को ही अलग नजरिए से देखा जाएगा, है ना, ये 1960s के बाद का है। इन द लेट 1960s देयर वर चेंजेस इन द ब्रिटिश लैंग्वेज टीचिंग ट्रेडिशन। सॉस्योर तो स्विस थे, दूसरे कंट्री के थे, पर उनका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप में फैला है। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग हैड बिकम एन आउटडेटेड मॉडल। वो जो सिचुएशनल लैंग्वेज था, आई एम वॉकिंग टू द डोर, close to the door, closer to the door, वो situation, I'm chopping wood, वो सारी जो situational तरीके से language सिखाने वाली बात थी, या even अगर हम audio lingual को देखें जिसमें कि एक particular situation को dialogue के बीच की तरह present किया जाता था, ये सब घिसे पिटे माने गए, क्योंकि ये अपना मूल function पूरा नहीं कर पा रहे थे, बच्चा बोल नहीं पा रहा था, कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहा था, इसकी सबसे बड़ी कमी रही। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग हैड बिकम एन आउटडेटेड मॉडल।
नोम चोम्स्की, द अमेरिकन लिंग्विस्ट, आज भी जिंदा है, एक्सट्रीमली एक्टिव है, कई बार दिल्ली आते हैं, दिल्ली में इनके सेमिनार्स होते हैं, वो महंगे नहीं होते, दे आर फ्री, यू कैन गो फॉर देम, बहुत लिमिटेड पैसे में यू कैन एक्चुअली गो एंड अटेंड एंड यू शुड. नोम चोम्स्की द अमेरिकन लिंग्विस्ट, ये अमेरिकन लिंग्विस्ट है. इन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर, जैसे अपन बाजार से वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तुमने पहली वॉशिंग मशीन खरीदा है जो कि फुली ऑटोमेटिक है, तो इसका मतलब उसमें कपड़े धुलेंगे, उसमें कपड़े खंगाले जाएंगे, उसमें कपड़े सूखेंगे भी, सही, सारा ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में है. उसी तरह से बच्चा वो फुली ऑटोमेटिक मशीन है जो कि भाषा बोलने की उस सिस्टम को अपने अंदर लेकर आया है. अब बहुत ज्यादा ऊपर से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर पहले ही बसा हुआ है, ये चोम्स्की का कहा हुआ है ना, सारी दुनिया इसको मानती है. नोम चोम्स्की द अमेरिकन लिंग्विस्ट हैड क्रिटिसाइज्ड स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक थ्योरी, और स्ट्रक्चरलिज्म तो वो स्विस में जो फर्डिनेंड डी सॉसर वाला था, उस वहीं से आपके सारे स्ट्रक्चरल अप्रोच सब मेथड सब वहीं से आया है. तो चोम्स्की ने स्ट्रक्चरलिज्म का बहुत तगड़ा विरोध किया. चोम्स्की सेड दैट स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज कुड नॉट एक्सप्लेन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज. भाई आप बिल्कुल मैकेनिकल एक भाषा बना दोगे, एस को वी से जोड़ो, वी को उससे जोड़ो, वो सब तो वो जोड़ जाड़ के लैंग्वेज बन जाएगा, परंतु वो केवल एक बैसाखी का काम कर पाएगी, इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर पाएगी. चोम्स्की वाज वेरी क्लियर कि लैंग्वेज क्रिएटिव होती है और लैंग्वेज इंडिविजुअल बेस्ड होती है, और इसलिए स्ट्रक्चरल वाली थ्योरी फेल हो जाएगी. तो चोम्स्की सेड दैट स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज कुड नॉट एक्सप्लेन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज. और चोम्स्की के अनुसार फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज क्या है? द क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंसेस. व्यक्ति अपने तरीके से, क्रिएटिव तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाता है, लैंग्वेज बनाता है, वो चीज स्ट्रक्चरल अप्रोच में नहीं बैठ सकती. अब नोम चोम्स्की तो अमेरिकन थे, अब ब्रिटिश लिंग्विस्ट्स ने भी इस चीज का पक्ष लिया. ब्रिटिश लिंग्विस्ट्स फेल्ट that the functional and communicative potential of language was being ignored. Functional का मतलब क्या होता है? देखो आप अभी नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, आप ऐसी कोई जॉब ले लेते हो जिसकी वजह से आपको दक्षिण भारत जाके रहना पड़ता है, वहां आपका वो जो मदर टंग है वो काम नहीं देने वाला, और आपको वो दूसरी वाली लैंग्वेज आती नहीं है, है ना, उनका मदर टंग नहीं आता, तो आपको इंग्लिश को एक वाया मीडिया ब्रिज लैंग्वेज बनाना पड़ रहा है, आप इसी को यूज करोगे. तो वो जहां पर आपको जो सिचुएशंस है, वहां आपको किराने पे जाकर किराने का सामान खरीदना है, सब्जी वाले पे जाके सब्जी का सामान खरीदना है, वहां बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको एक लैंग्वेज की जरूरत तो है ना, वो फंक्शनल लैंग्वेज है जो एक फंक्शन पूरा कर दे, और वो फंक्शन है कम्युनिकेशन. मैं जो कहना चाहूं वो तुम समझ जाओ, इतना सा. तो वो फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव पोटेंशियल ऑफ लैंग्वेज वाज बीइंग इग्नोर्ड. बिल्कुल घिसे पिटे स्ट्रक्चर्स रटवा लो, घिसे पिटे सिचुएशंस रटवा लो, इसके बाहर कोई सिचुएशन आ जाए तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा. दे बेस्ड देयर आइडियाज, ब्रिटिश लोगों ने अपने विचारों को केंद्रित किया ऑन द व्यूज ऑफ ब्रिटिश फंक्शनल लिंग्विस्ट सच एज एम ए के हैलिडे. ये हैलिडे नाम याद रखो. और अमेरिकन सोशल लिंग्विस्ट सच एज डेलहाइम्स. डेलहाइम्स इंपॉर्टेंट नाम है. अब द काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप नाम की एक संस्था है, वॉज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन
फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन। ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप है, ये एजुकेशन को महत्व देगी और लैंग्वेज को महत्व देगी। द काउंसिल एग्जामिन्ड द प्रॉब्लम, कि भाषा सीखने में आपकी प्रॉब्लम आ कहां रही है। काउंसिल ने इसको देखा। एजुकेशन वॉज वन ऑफ इट्स मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी। हम केवल बैकग्राउंड देख रहे हैं, अभी हम सीएलटी पे नहीं आए। द ब्रिटिश लिंग्विस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी तक आरपीएससी ने इसको टच नहीं किया है। डेलहाइम्स को पूछ लिया, चोम्स्की को पूछ लिया, हैलिडे को पूछ लिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। द ब्रिटिश लिंग्विस्ट डी ए विल्किंस, उन्होंने 1972 में अपनी किताब में प्रपोज्ड अ फंक्शनल और कम्युनिकेटिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने ये कह दिया कि भाषा का मूल पर्पस, पहले क्या कहा था जीटी मेथड ने, क्या कहा था लैंग्वेज क्यों सीखना है, कल्चरल लिटरेरी है ना, और फिर डायरेक्ट मेथड ने कहा नहीं, कम्युनिकेटिव एबिलिटीज तो आनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि फंक्शनल सिचुएशंस में फंक्शनल यूज लैंग्वेज का हो जाना चाहिए। दिस बिकेम द बेसिस फॉर डेवलपिंग अ कम्युनिकेटिव सिलेबस फॉर लैंग्वेज टीचिंग। अब एक प्रॉपर सिलेबस बनेगा और उस सिलेबस के अनुसार बच्चा बोल पाएगा, ये पर्पस है। विल्किंस स्पोक ऑफ द सिस्टम्स ऑफ मीनिंग्स दैट ले बिहाइंड द कम्युनिकेटिव यूजेस ऑफ लैंग्वेज। सिर्फ विल्किंस याद रखो और विल्किंस के दो सिस्टम्स ऑफ मीनिंग्स याद रखो। ही डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स, क्योंकि इनको टच नहीं किया तो क्या पता पूछ ले। तो पहला है नोशनल कैटेगरीज, एक जिसको कि विल्किंस कहते हैं नोशनल। नोशन का मतलब एक धारणा, कॉन्सेप्ट सच एज टाइम। टाइम के बारे में बच्चा बात कैसे करेगा। टाइम में देखो ड्यूरेशन आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, लेंथ ऑफ टाइम, बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर टाइम सीक्वेंस, क्वांटिटी, लोकेशन, फ्रीक्वेंसी। टाइम के बाद जो मैंने वो डाल रखा है कॉमा, वो हटा दो। टाइम सीक्वेंस, क्वांटिटी, लोकेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें नोशनल में, बस ये रख लो, नोशनल में ये चीजें आती हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर द नोशनल कैटेगरी ऑफ विल्किंस, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आपका फंक्शनल कैटेगरीज में आ जाएगा। कम्युनिकेटिव या फंक्शनल कैटेगरीज में रिक्वेस्ट कैसे करती हैं, डिनायल्स मना कैसे करते हैं, प्रस्ताव कैसे भेजते हैं, शिकायत कैसे करते हैं, ये सब फंक्शनल में आ गया। बस ये दो आप याद कर लो। विल्किंस पब्लिश द बुक टाइटल नोशनल सिलेबस 1976 में। दिस बुक हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सीएलटी। सीएलटी इज ऑल्सो नोन एज नोशनल फंक्शनल अप्रोच या फंक्शनल अप्रोच। बेसिकली सीएलटी एक अप्रोच है। अप्रोच क्या करता है, अप्रोच का मतलब अप्रोच भाषा को देखता है। मेथड क्या करता है, कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, कौन सा मेथड अपनाए, ये मेथड है। पर जो लैंग्वेज को ही पूरी तरीके से देखे वो आपका अप्रोच होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीएलटी आपका एक अप्रोच है। सीएलटी इज एन अप्रोच रादर देन अ मेथड। अब सीएलटी is an integration of grammatical and functional teaching. Grammar सिखाया तो जाता है पर functional base के साथ, और इसलिए दोनों को मिला के सिखाया जाता है। Grammatical को पीछे back seat दी गई है, front seat पे नहीं है grammar, functional front seat में है, पर दोनों को integrate किया है। One of the most characteristic features of CLT is that it pays systematic attention to functional as well as the structural aspects of language. ये RPSC ने पूछा है इस चीज को, उन्होंने true and false में पूछा है इस point को, है ना। ये little book नाम के linguist का definition है। CLT uses procedures where learners work in pairs or groups
यूजिंग अवेलेबल लैंग्वेज सोर्सेज, मुझे जितनी भाषा आती है, तुम्हें जितनी भाषा आती है, अपन दोनों मिलकर कन्वर्ट्स कर रहे हैं, जितना मुझे आता है जितना तुम्हें आता है, अपन अपना पॉइंट क्या पुट अक्रॉस कर पा रहे हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग यही लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम क्लासरूम के अंदर। CLT is of the view that communication purposes may be of many different kinds. केवल बस स्टैंड, बैंक, रेलवे स्टेशन, यही यहीं तक सीमित नहीं है लैंग्वेज, है ना। What is essential in all of them is that at least two parties are involved in an interaction or transaction of some kind. दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन है, चाहे वो दुकानदार ग्राहक हो, कोई भी हो, वेयर वन पार्टी हैज एन इंटेंशन, एक पार्टी का इरादा है, मैं ये बात तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं मैसेज एनकोड करूंगा, शब्द, उस शब्दों के अंदर मैं एक मीनिंग डाल के, मुझे जितनी भाषा आती है उतने में मैं एक मैसेज भेजता हूं, तुम रिसीवर हो, तुम उसे डीकोड करोगे, तुम उसमें से मतलब निकालोगे। Has an intention and the other party expands or reacts to the intention. ये important है। Message sender, message receiver. भेजने वाले का intention encode होता है, receiver का message, receiver क्या करेगा, message को decode करेगा, accordingly वो response या react करेगा। Distinctive features of AL method and CA, देखो ये important है, मैं टिक लगवा दूंगी, इसमें बहुत सारे points हैं, इतने याद नहीं होंगे, मुझे भी समझ में आ रहा है, but कर लो, एक बार reading तो लगवाओ, बाद में नहीं लगना चाहिए कि हमने पढ़ा नहीं, काश हमने पढ़ा होता। Audio lingual, importance to structure more than meaning, उधर meaning ही most important है, meaning कैसे भी सामने वाले तक पहुंच जाए, टेंस गड़बड़ो, ग्रामर गड़बड़ो, कुछ भी गड़बड़ो, मीनिंग पहुंच जाए, ये आपका सीएलटी कहता है। डिमांड्स मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग्स, बट मैंने ब्रैकेट में दिया है नॉट एज मच एज जीटी, क्योंकि आरपीएससी ने एक साल पूछा है उसमें और जीटी को आंसर माना है, तो इसलिए हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसमें भी मेमोरी, ये सिचुएशन पूरा जो आपने सुना इसको मेमोराइज करो, ये तो है, पर इतना मेमोराइजेशन नहीं है जितना कि जीटी मेथड में है। डायलॉग्स आर नॉट जनरली मेमोराइज्ड। लैंग्वेज लर्निंग इज अबाउट लर्निंग स्ट्रक्चर्स, साउंड्स और वर्ड्स, और उधर साउंड वर्ड्स सब गए, लैंग्वेज लर्निंग इज अबाउट लर्निंग टू कम्युनिकेट, किसी भी तरीके से आप अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस कर लो। मास्टरी और ओवर लर्निंग इज सॉट, ऑडियो इतने सिचुएशंस डायलॉग फॉर्म में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज सॉट, इफेक्टिव बस आप अपनी बात कह सको इतना। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनंसिएशन इज सॉट, फाइव नेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक लगा लो। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनंसिएशन इज सॉट ऑडियो में, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनंसिएशन इज सॉट, इतना कि सामने वाले को समझ जाए कि तुम शब्द क्या बोल रहे हो, अपन जो शब्द बोल रहे हैं उसका उच्चारण इतना गड़बड़ है कि सामने वाला शब्द के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर हमें कुछ इसमें देखना है। ड्रिलिंग इज अ सेंट्रल टेक्निक, ड्रिलिंग में अक्कर बट पेरिफेरली बहुत कम यूज होता है, दिस इज नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड ऑडियो लिंगुअल में, एनी डिवाइस, ग्रामर तो क्या, किसी भी कोई भी डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प कर जाए उसको एनकरेज किया जाएगा, ग्रामर का कोई स्पेशल यूज नहीं है। एनी डिवाइस दैट हेल्प्स द लर्नर्स इज एक्सेप्टेड, वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज, इंटरेस्ट एटसेट्रा। रीडिंग इतना रीड करो और याद रखो ये वाला नेटिव स्पीकर वाला, इस पॉइंट को तो घर जाके कहीं उतार लेना। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज ओनली कम आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिजिड ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज, पहले सुनो सुनो सुनो, हमने ऑडियो लिंगुअल में देखा था
कि पहले सुनना सुनना सुनना, राइटिंग तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस होता है ना, यहाँ कम्युनिकेशन इज एनकरेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। गलत बोलो सलत बोलो शुरू से बोलो, उसमें पहले सुनो 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 फिर बोलोगे, सुनोगे पहले फिर बोलोगे, यहाँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तुम बोलोगे सीएलटी में। इस पॉइंट को याद रखो, द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन ऑडियोलिंगुअल में, इधर जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, नो नीड टू लर्न दिस। ट्रांसलेशन इज फॉरबिडन एट अर्ली लेवल्स ऑडियोलिंगुअल में, ट्रांसलेशन मे बी यूज्ड वेयर स्टूडेंट्स नीड और मे बेनिफिट फ्रॉम इट सीएलटी में। रीडिंग एंड राइटिंग आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टिल स्पीच इज मास्टर्ड, ये 11 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑडियोलिंगुअल में रीडिंग एंड राइटिंग आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टिल स्पीच इज मास्टर्ड, पहले तो लिसन 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 फिर स्पीक 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 फिर रीडिंग राइटिंग है ना, और इसमें शुरू से ही चल सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ डिजाइन, द टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम विल बी लर्न थ्रू द टीचिंग ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडियो लिंगुअल में वो जो सिचुएशनल डायलॉग्स हैं उनको सुन सुन कर बच्चा रिपीट कर करके कर करके वो स्ट्रक्चर्स को ग्रहण कर लेता है, बोलता है। सीएलटी में स्ट्रगल करता है, बोलना चाहता है, यहां तक उसकी बात है निकल नहीं रही बात, पर स्ट्रगल कर करके बुलवाया जाएगा, तो गलत बोल सलत बोल कैसे भी बोल पर बोल, स्ट्रगल करके बोलना कैसे भी। तो द टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम विल बी लर्न टू स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट, है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं इसको। ट्रायल एंड एरर मतलब करो गलती, क्या पता सही हो जाए, क्या पता गलत हो जाए, क्या पता सामने वाले को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, दोबारा ट्राई करो ज्यादा समझ में आ जाए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वगैरह, उधर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सीएलटी का। कम्युनिकेटिव एबिलिटी क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली, मतलब कोई स्थिति है जहां पर आप बोलना चाह रहे हो पर आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप गलत बोल दो, मिक्स्ड बोल दो, कैसे भी बोलो, स्ट्रगल करो पर कोशिश करके अंदर से निकालो, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो Varieties of language are recognized but not emphasized. ये ऊपर वाला 13th वाला point आपको याद रखना है ना? Linguistic varieties are central, ये छोड़ दो। The teacher controls the learners and prevents them from doing anything that conflicts with the theory. ये important point है। वहाँ teacher को पता ही नहीं है अगला sentence बच्चा क्या बोल जाएगा, क्योंकि वो तो struggles कर कर के बोलेगा और वो वही encourage होता है। इसलिए इसलिए टीचर्स हेल्प लर्नर्स इन एनी वे दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क विद द लैंग्वेज, किसी भी तरीके से भाषा को बोल दो। 16 वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज हैबिट, सो एरर्स आर प्रिवेंटेड। हैबिट, और हैबिट का मतलब शुरू से ही सही बोलो सही बोलो सही बोलो सही बोलो, उधर ट्रायल एंड एरर कर लो, गलती कोई बात नहीं, गलती कर करके सही बोलना सीख जाओ। लैंग्वेज इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16, लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। 17, द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू स्पेसिफाई द लैंग्वेज दैट द स्टूडेंट्स आर टू यूज, उधर तो टीचर्स को पता ही नहीं कि बच्चा क्या बोल जाएगा। The teacher cannot know exactly what language the students will use. इसमें से जो 5-7 points अपने important बताए, केवल वो ध्यान रख लो CLT के संदर्भ में। Theory of language क्या है? क्योंकि इसमें वो दोनों तीन नाम आने हैं इसलिए। The goal of language teaching is what Dellheim's called communicative competence. उन्होंने ये term बनाया है communicative competence. Noam Chomsky जो थे ना,
उन्होंने क्या किया, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस करके उन्होंने दो टर्म्स बनाए, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। थोड़ा सा बेसिक समझ लो। सपोज तुम बहुत अच्छा पढ़ गए, बहुत ही तुमने बहुत फर्स्ट क्लास तैयारी की, तुम्हारी स्किल्स बहुत बढ़िया है लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज वेरी गुड। हम गाने का एग्जाम्पल लें, इसका नहीं, पढ़ने का नहीं। सपोज यू आर अ वेरी गुड सिंगर, तुम बहुत अच्छा गाते हो और हम सब जानते हैं तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, तो तुम्हारा कॉम्पिटेंस है, पर अब क्या होता है, गला खराब हो जाता है और तुम स्टेज पर जाकर गाते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। परफॉर्मेंस टेम्पररी है, कॉम्पिटेंस परमानेंट। तो कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में एक डिफरेंस होता है ना। परिस्थिति वश कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो गई, कुछ कुछ हो गया, जो कॉम्पिटेंस लेवल है उसको मैच करता हुआ परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, है ना। तो नोम चोम्स्की ने कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के ऊपर लंबा चौड़ा ऐसे लिखा था। और ये जो है इस चीज का विरोध करेंगे, कॉम्पिटेंस का विरोध करेंगे, चोम्स्की ने जो कहा उस चीज का विरोध करेंगे। तो ये इतना सा याद रखो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस चोम्स्की के विरोध में उन्होंने निकाला है डेल हाइम्समैन ने। हाइम्स कॉइंड द टर्म टू कॉन्ट्रास्ट इट विद चोम्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस। अब आपको आरपीएससी चोम्स्की का थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं पूछेगा, और वैसे मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, अंडरस्टूड ये चोम्स्की। ये माइकल हैलिडे जो थे एलैबोरेटेड द फंक्शनल अकाउंट ऑफ लैंग्वेज। ये फंक्शनल अकाउंट एमए के हैलिडे है, ये नाम याद रखियो। वन ऑफ द फर्स्ट सिलेबस मॉडल्स टू बी प्रपोज वाज विल्किंसन्स नोशनल सिलेबस। इस वाले शीट, ये शीट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चारों थ्योरिस्ट के नाम आते हैं, इसलिए इसको तो याद कर लो, और वो सात आठ जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए वो देख लो। अब व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सीएनटी आखिर है क्या? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, इसमें कुछ सिद्धांत है, सूत्र है, अबाउट क्या क्या, द गोल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग का आखिर उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सीएनटी बताता है। और सीएनटी के अनुसार क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव स्किल्स। हाउ लर्नर्स लर्न अ लैंग्वेज, कैसे कोई सीखता है भाषा। द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट बेस्ट फैसिलिटेट लर्निंग, क्या एक्टिविटीज, जैसे किसी मेथड में ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, तो ये क्या बताता है कि किस किस तरह पेयरिंग ग्रुप में, है ना, इंटरव्यू मेथड, ये सारी चीजें टेक्निक्स हैं व्हिच आर यूज्ड इन द क्लास। The kinds of activities that facilitate learning, the roles of teachers and learners in the classroom. Teacher का role काफी लंबा चौड़ा role है। What is the goal of language teaching in CLT? The teaching of communicative competence, यही goal है। What is the role of grammar? Under the influence of CLT, grammar based methodologies have given way, मतलब grammar 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 important खत्म हो गया, to functional and skill based teaching and accuracy activities such as drill and grammar practice have been replaced। ये drill और grammar practice हटा दिया गया है और उनकी जगह क्या आ गया, by fluency activities, fluency बढ़ाने वाले activities based on interactive small group work, pairs में मिलकर छोटा group बनाकर language skills सीखो। This led to the emergence of a fluency first pedagogy. Fluency first pedagogy कौन से इसमें है, CLT में है, ये approach है। In which the grammar needs of students are determined on the basis of performance in fluency tasks rather than predetermined by a grammatical syllabus. देखो ये लैंग्वेज टफ लगेगा, बट मैं एक बार बताऊं, तुम लोगों ने शायद पेपर्स देखे नहीं है प्रॉपरली,
इतने उठपटांग, कई वाले ऑप्शंस ऐसे हैं, मतलब तीन शब्दों को उन्होंने पकड़ के तुमको पकड़ा दिया, वो डिफिकल्ट है, तीनों ही शब्द डिफिकल्ट है इसी तुम्हारे मेथड्स में, क्वेश्चंस में, और ऐसे उन्होंने चार ऑप्शंस दे रखा है। ये अलग बात है कि अगर तुमको मेथड समझ में आ गया तो तुम उसको फाइंड आउट कर लोगे, बट वो जो है वो सारे ऑप्शन समझने में डिफिकल्ट है। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, वैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अपन पहले ये मेथड्स वाला पूरा मैं एक जगह उतार लेती हूँ, तुम लोग अपने बुक्स तो ले ही आओगे, ये वाला बुकलेट, और इसको एक दिन बैठ के सॉल्व कर लो ताकि तुम्हें थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेथड्स इन्होंने सारे बहुत सीधे नहीं पूछे। तो इसलिए इस तरह का डिफिकल्ट लैंग्वेज करना पड़ेगा। जस्ट रिमेम्बर फ्लुएंसी बेस्ड पेडागॉजी, ये CLT ध्यान देता है इस पर। एडवोकेट्स ऑफ CLT आर्ग्यूड दैट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड नॉट जस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CLT कहता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस हो ना हो सब चलेगा, ग्रामर गड़बड़ चल रही हो कोई बात नहीं, बात समझा पा रहा है या नहीं, बात समझा पा रहा है तो उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उतना चलेगा, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को महत्व नहीं दिया जाएगा। अगले पेज पे मैंने टेबल बनाया, क्विकली एक बार देख लो। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का मतलब द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। आप व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य बना पाते हैं पर्टिकुलर भाषा में तो आप में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो आप कह पा रहे हो। Knowing how to use language for a range of different purposes and functions. Grammar गड़बड़ है, पर आप अलग-अलग situations में अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हो, ये communicative competence है। भले उसमें व्याकरण बहुत गड़बड़ है, पर सामने वाले को समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये आपका communicative competence है, जिसमें grammar एक backseat ले लेता है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस पे आओ, द नॉलेज ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखो, टेंसेस सीखो, फ्रेजेस सीखो, क्लॉजेस सीखो, सेंटेंस पैटर्न सीखो, फिर इनको जोड़ा कैसे जाता है, ये ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है। उधर नोइंग हाउ टू वेरी आवर यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सेटिंग एंड द पार्टिसिपेंट्स, सेटिंग और पार्टिसिपेंट्स के अनुसार आप अपने भाषा को टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, गलत सही कैसे भी आप मोल्ड कर लेते हो, केवल और केवल कम्युनिकेशन। तीसरा, द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड प्रैक्टिस इज टिपिकली द सेंटेंस। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में ग्रामर, जहां पर भी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होगा वहां पर वाक्यों की बात की जाएगी, नॉट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज नॉट ग्रामर, वोकैबुलरी इज डिफरेंट, ग्रामर इज डिफरेंट। इसीलिए आपका जो फर्स्ट मेथड था GT मेथड, जो स्ट्रक्चर्स रटवाता है, ग्रामर कराता है, वो सेंटेंसेस पर जोर देता है। आपका लास्ट है यहाँ, नोइंग हाउ टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, नैरेटिव्स, कहानियां, रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, कॉन्वर्सेशन, ये सब आप प्रोड्यूस कर सको स्पोकन लैंग्वेज में। दो लोगों को बिठा के इंटरव्यू, एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यूई है, डायलॉग करो, है ना, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। नोइंग हाउ टू, ये केवल इस तरफ है CLT में, नोइंग हाउ टू मेंटेन कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्पाइट हैविंग लिमिटेशन इन वन्स लैंग्वेज नॉलेज, सपोज अपन को इंग्लिश नहीं आती, बहुत टूटी फूटी आती है, और अपना पाला पड़ गया एक फिरंगी से, अब आप उससे बात तो करना चाह रहे हो, वो कुछ पूछ रहा है, आप जवाब भी देना चाह रहे हो, भाई यू आर अ गुड इंडियन तो आप जवाब दोगे, पर अब आप क्या करोगे, कैसे भी करके आप अपनी बात उस तक पहुंचा दोगे, उसमें ग्रामर कुछ भी जाए, कहीं भी जाए, टेंस कहीं भी जाओ, पर आप अपनी बात उसको पहुंचा रहे हो ना, दैट इज कम्युनिकेटिव एबिलिटी, है ना, कॉम्पिटेंस। तो इसलिए डिस्पाइट योर लिमिटेशंस, भले आपको कम आता है, ज्यादा आता नहीं है, ज्यादा रूल्स नहीं आते, फिर भी नोइंग हाउ टू मेंटेन अ कम्युनिकेशन, आप लगातार एक कॉन्वर्सेशन मेंटेन करे हुए हो उसके साथ, आप जवाब देते हो, उसको कुछ तो समझ में आया होगा जो वो दूसरा सवाल पूछता है, फिर आप उसका जवाब स्ट्रगल करके उसको देते हो,
through using different kinds of communication strategies. Strategies आप सारे मतलब जुगाड़ कर लोगे, कैसे भी आप उसको अपनी बात पहुंचाओगे. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, इट एम्फसाइजेस इंटरैक्शन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरैक्शन ही इसका लक्ष्य है और इंटरैक्शन ही इसका माध्यम है, मीन्स है. इंटरैक्शन के माध्यम से हम इंटरैक्शन तक पहुंचे, मतलब करते 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 हम उसमें अच्छे हो जाए. तो इट एम्फसाइजेस इंटरैक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया, CLT विचार पर आधारित है, दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग. आप एक रियल माहौल में रियल तरीके से आप अपने बात को कन्वे कर रहे हो, ये इस चीज को इंपॉर्टेंस दिया है. व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रियल कम्युनिकेशन, एक तो है क्लासरूम में बैठ के तुम टूटी फूटी बोल रहे हो, क्लास बाहर जाके उस लैंग्वेज को यूज ही नहीं कर रहे. नहीं, आप बाहर जाके उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो और जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है उतना कन्वे कर पा रहे हो, इस चीज पर जोर है. व्हेन लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रियल कम्युनिकेशन देन नेचुरल स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग लैंग्वेज विल बी यूज्ड. नेचुरल स्ट्रेटजीज, वो जितने भी तरीके अपना कर स्ट्रगल करके और उस चीज को कन्वे करती हैं, एंड दिस विल अलाउ देम टू लर्न हाउ टू यूज द लैंग्वेज. धीरे धीरे वो बोलना सीख जाएंगे. CLT makes use of real life situations that necessitates communication. आप ऐसी जगह फंस गए जहां आपको बोलना ही पड़ेगा, अब क्या करें, तो आप कैसे ना कैसे बोलोगे, नेसेसरी है आपका बोलना. स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न कम्स फ्रॉम देयर डिजायर टू कम्युनिकेट इन मीनिंगफुल वेज अबाउट मीनिंगफुल टॉपिक. जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग लैंग्वेज नहीं, वो वास्तव में कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लैंग्वेज इज इंटरैक्शन, लैंग्वेज इज इंटरपर्सनल एक्टिविटी, लैंग्वेज हैज अ क्लियर रिलेशनशिप विद सोसाइटी. क्योंकि हम सोसाइटी में जाकर, सोसाइटी का मतलब क्या है, अन्य लोगों के बीच जाकर भाषा को यूज करते हैं. अकेले कमरे में बंद करके थोड़ी ना बोलते हैं, बाहर जाकर हमें लैंग्वेज चाहिए होता है. The native language is used as a bridge from the familiar to the unfamiliar. थोड़ा बहुत इसको use करना पड़े, it is allowed. Grammar is taught as a means to achieve good command of LSRW skills. ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता. Principles of CLT, a teacher's main role, ये याद रखो. Facilitator, monitor, counselor, इसके तीन roles हैं. Lessons are normally topic-based or theme-based. Lessons are built around situations. Activities set by the teacher have purpose and relevance in real-life situations. वास्तव में क्लासरूम के बाहर जाकर ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां बोलना पड़ जाएगा. Communicative competence is the desired goal. ये तो सेंट्रल बात है इसका. Emphasis on fluency and meaning rather than accuracy. आपका फ्लो चालू रहे, फ्लो रहे, चाहे एक्यूरेसी नहीं रहे, प्रोनंसिएशन में एक्यूरेसी नहीं है, ग्रामर में एक्यूरेसी नहीं है, डजंट मैटर, फ्लो रहना चाहिए. बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कन्वे, वो बोल रहा है, फिर वो कुछ कह रहा है, आप जवाब दे रहे हो, वो फ्लो मेंटेन रहना चाहिए. फ्लुएंसी, एम्फसिस ऑन प्रोनंसिएशन, पर ये नहीं कि आप एक्यूरेट प्रोनंसिएशन बोलो. Comprehensible, आपके मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो सुनने वाले को, अच्छा ये इस चीज को यू बोल रहा है ना, इस तरीके से उसको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा वर्ड बोल रहे हो. तो फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस एज वेल. लर्निंग प्रोसेस मतलब बच्चा खुद जो है, मैं भाषा कैसे सीख रहा हूं, उसको इस बात का पूरा आइडिया रहता है CLT में.
अच्छा ये छोड़ दिया मैंने, also known as छोड़ दो. Judicious use of native language is allowed. थोड़ा बहुत allowed है. Language is created by the learner. बाकी methods में language is take this. इधर बच्चा struggle कर करके खुद ही create करता है. Often by trial and error, गलतियां कर करके. Errors are tolerated. Errors को तो वहाँ पर AOL में audio lingual में क्या था कि errors को वहीं के वहीं correction कर देते हैं. यहाँ क्या है, errors को tolerate किया जाता है. गलती कर कर के ही सीखोगे या understood है. तो errors are tolerated. ये errors के ऊपर एक ना एक question आएगा. Errors को कौन सा method कैसे deal करता है, table बना लेगा. Or inductive, deductive, and seen as a natural outcome of the development of the communicative skills. अगर communicative skills हैं, मतलब develop कर रहे हैं हम, तो हम गलतियाँ कर करके ही सीखेंगे. इस बात को accept किया जाता है. It emphasizes spontaneous production and comprehension. Spontaneous, तुरंत महसूस करके आपने तुरंत कुछ न कुछ बोला. It includes discourse competence. चार लोगों के बीच में बैठकर आप बात कर रहे हो, वो competence. And strategic competence. Strategic समझ में नहीं आ रहा अगला शब्द क्या बोलूं, और वो खड़ा खड़ा ताक रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा, तो मैं कुछ तो बोलूं, कुछ तो strategy अपनाऊं. Strategic competence. It does not include grammatical competence. उसको इतना importance नहीं है. How learners learn a language. Interaction between the learner and users of the language. बस खत्म होने वाला है. I know you all are getting impatient. थोड़ा सा रुक जाओ. 10 मिनट में फ्री कर दूँगी. Interaction between the learner, ये important है. Teacher role, learner role, है ना? Interaction between the learner and users of the language. तो users कौन है? Learners हैं, users हैं. Interaction learners and users. भाई student to student communication भी है. वो student classroom से बाहर जाएगा तो उसको कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको अंग्रेजी properly आती है, बात ही अंग्रेजी में करना चाह रहा है. That person uses this language. उसके साथ भी इसको चलना है ना, flow में चलना है ना. Collaborative creation of meaning. मिलजुल कर, चलो मुझे आधी पौधी बात समझ में आ रही पर बोलो तो सही. Collaborative. Teamwork. Creating meaningful and purposeful interaction through language. ये तो clear है. Negotiation of meaning. जब classroom में दो बच्चे language सीखते हैं, negotiation. तुम जो कह रहे हो, उसका मैं क्या meaning निकालूँ? अच्छा ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाह. Negotiate. है ना आपस में जो चलता है. Negotiation of meaning. कुछ आदान प्रदान सा होता है ना? As the learner and the listener arrive at understanding, बात को समझने की कोशिश करते हैं. Learning by paying attention to the feedback learners get when they use the language. Feedback. अगला कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा. इसका मतलब मैंने या तो pronunciation बहुत ही उठपटांग कुछ कर दिया या मैं बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर गया. तो वो सामने वाले को कितनी बात आपकी समझ में आई, वो फीडबैक है कि आप कितने सही चल रहे हो. फिर